गुंडों की मदद से क्रेडिट सोसाइटी और बैंक वाले ऑटो रिक्शा वालों से लोन वसूल कर रहे हैं, विजय शर्मा का आरोप। ऑटो रिक्शा वालों के 2 लाख रुपए तक के लोन अगर राज्य सरकार माफ नहीं करती है तो मुंबई में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये चेतावनी राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने दी है। विजय शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से रिक्शे वाले पहले से ही परेशान हैं, ऐसे में लोन की वसूली करने के लिए बैंक और क्रेडिट सोसाइटी वाले ऑटो वालों के घरों में गुंडे भेजकर सभी को परेशान कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये रिक्शा यूनियन के लोग नहीं हैं, ये सारे हमारे रिक्शा वाले भाई हैं जो आज लगभग एक महीने से हमारे ऑफिस में डेली आ रहे थे। और इनका कहना ये था कि 18 महीना से इन्होंने किसी प्रकार का कोई जो है लॉकडाउन के कारण किसी प्रकार का इन्होंने धंधा नहीं किया है। और जो बैंक वाले हैं वो लगातार इनके फैमिली को प्रेशराइज करते हैं, इनकी गाड़ियां उठा के ले जाते हैं और गुंडे भेज करके इनके साथ लड़ाई करते हैं। तो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने मानवता के आधार पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये मांग किया है कि ये सारे जितने भी रिक्शा वाले भाई हैं, हमारे ऑटो वाले रिक्शा वाले, इनका 2 लाख तक का लोन माफ़ करें। वो क्यों, मैंने ये क्यों ये मांग किया है, आप देखेंगे कि आज़ादी से लेकर अब तक 50 साल में जब हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी, जब हमारे पास ट्रेन नहीं थी, जब हमारे पास इतनी बसेज नहीं थी, तो इन्हीं ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने हमारे मुंबई में सेवा किया है, जनता की सेवा किया है, विभिन्न प्रकार से सरकार को टैक्स दिया है। तो आज 18 महीने से इनका परिवार त्रसित है लॉकडाउन के कारण। तो सरकार को चाहिए कि तत्कालीन प्रभाव के साथ मुंबई में जितने भी ऑटो टैक्सी वाले हैं उनका 2 लाख रुपए लोन माफ़ करे। विजय शर्मा ने साफ साफ कहा कि ये लड़ाई गरीबों की है, अगर सरकार उनकी मांगे मान लेगी तो अच्छी बात है, वरना हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है। लोग आएंगे, ये देखिए ऑटो वालों के भविष्य का सवाल है, उनकी फैमिली का सवाल है, तो मैं गिनती नहीं बता सकता। अगर सरकार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का मांग नहीं मानती है तो ये आंदोलन बड़ा होगा। और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ऑटो टैक्सी वाले भाइयों की अस्मिता के लिए, महाराष्ट्र की जनता की अस्मिता के लिए मैदान में उतरेगी। ये लड़ाई अब अस्मिता की हो गई है, अब ये लड़ाई अस्मिता से जुड़ गई है, क्योंकि मातोश्री अहिल्याबाई होलकर ने भी कहा था कि जिस राज्य में जनता सुखी ना हो उस राज्य के राजा को राज्य करने का अधिकार नहीं है। तो अगर मुंबई के ऑटो टैक्सी वाले, मुंबई की जनता खुश नहीं है तो फिर ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। इस आंदोलन की तैयारी के लिए विजय शर्मा ने अपने कार्यालय से कुछ रिक्शे वालों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। विजय शर्मा ने कहा कि क्रेडिट सोसाइटी और बैंक वाले अपने लोन पर गुंडों की मदद से 25% ब्याज वसूल कर रहे हैं। ऐसा है कि ये 18 महीने से इनकी कोई कमाई नहीं हुई है, जब कमाई नहीं हुई है तो जो इन्होंने लोन लिया है, अब बैंकें क्या करती हैं कि 25% से ज़्यादा इनसे ब्याज वसूल नहीं है। कि जैसा कि सारे ऑटो रिक्शा वाले भाइयों ने बताया है कि बैंक का बहुत ज़्यादा अत्याचार है, बैंक वाले इनके घर में गुंडे भेजते हैं, परिवार को बेइज्जत करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार से ये लोग मानसिक प्रताड़ना भी इनकी हो रही है ऑटो टैक्सी वालों की। विजय शर्मा ने कहा कि ऑटो रिक्शा वाले उनके भाई हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, अब हम इंसाफ दिलाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।